चर्चा हो रही है, गौ माता में एक लंपी नामक महामारी के विषय में। केंद्र पर आ रहे हैं, राज्य कुछ करेगा नहीं, केंद्र सब कुछ करेगा और वाहवाही लूटने का हम काम करेंगे, ये विषय भी नहीं आना चाहिए। सभापति मुझे, मैं ट्राइबल क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि जनजाति व्यक्ति है, हर परिवार में एक मवेशी होती है, मवेशियाँ रखते हैं। और यह आप जाकर देखिए, और देखने के बाद में भी काफ़ी मवेशियों की मौत हुई। जहाँ तक आइसोलेट कैंप की बात है, वो लोग इतने समझदार नहीं हैं कि उस मवेशी को ले जा कर के कैंप में रखेंगे, लेकिन हमारी जागरूकता न होने के कारण, और आपके हॉस्पिटलों की और पशु उपसाधन स्थिति क्या है वहाँ पर, न तो आपका डॉक्टर है न आपका कोई नर्स स्टाफ है, उनकी देखभाल कौन करेगा? और इसके कारण से काफ़ी मवेशियों की मौत हुई है। और मैंने एक पानरवा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, वहाँ पर कुछ लोग मवेशी लेके गए, मेरे को फ़ोन किया, भाई साहब यहाँ मिलने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हम मवेशी कहाँ ले जाएं? मैंने डीडी से बात की, डीडी से बात कर, डीडी का साहब हॉस्पिटल खाली है, तो खाली थे, मवेशियों क्या करेंगे? मतलब ये स्थिति है। और झाड़ोल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उदयपुर के आधे दूध की पूर्ति करता है, आज उनकी मवेशियों की हालत क्या है? आपके जो पहले जो जिस प्रकार को आपको पता था कि भाई बीमारी हमारे राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, तो पूर्व तैयारी हमारी क्या थी? हमें करनी चाहिए ना, क्यों नहीं चिंता की? और बीमारी बहुत ज़्यादा फैलने के बाद में हम कहेंगे कि अब हम चिंता कर रहे हैं, तो बीमारी फैलने के बाद में तो और ज़्यादा फैलती जाएगी। हमारे यहाँ मर्द पशुओं के विषय में काफ़ी विषय लोगों ने बात की है कि मर्द पशुओं को उन्हें ज़मीन में गाड़ने के लिए पंचायतों कह दिया, मौखिक आदेश कह दिया, पैसा कहाँ से आएगा? और वहाँ पर जेसीबियाँ तो है नहीं, खड्डा कौन खोदेगा? तो ये चिंता भी हम नहीं करते हैं। और ये जो मवेशियाँ मरने के बाद में नदी नालों से बह करके और तालाबों में जाती है, और तालाबों में जाते, मैं कोटड़ा में जोगीबढ़ बांध की चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ से पेयजल आपूर्ति होती है और वहाँ पर विभाग को पेयजल आपूर्ति बंद करनी पड़ी, ये स्थिति है। और ये नहीं हो कि ये बीमारी कम से कम उस अपने इंसानों में भी फैल जाए। इसलिए सभापति महोदय जी, सरकार की जो नाकामी रही है, अब ये नाकामी हमको छिपानी नहीं चाहिए, हम सबको मिल करके सकारात्मक प्रयास करके और इस गौ वंश को बचाना चाहिए। गाय एक ऐसी चीज़ है जिसका दूध भी काम आता है, पैसा भी काम आता है, और उसका मल भी काम आता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम आता है, तो इस हम मिल करके हम सबको बचाना चाहिए। आपने समय दिया सर, धन्यवाद। श्री सुरेश मोदी।